गुजरात के सूरत में हुए दर्दनाक अग्निकांड से हमीरपुर भी अछूता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि हमीरपुर में दर्जनों ऐसे कोचिंग सेंटर चल रहे हैं जहां पर आपातकालीन से निपटने के लिए प्रबंध जीरो है। अगर शहर में नजर दौड़ाएं तो गांधी चौक के आसपास से लेकर बस अड्डे के समीप बने कोचिंग सेंटरों में ननिहाल जान जोखिम में डालकर कोचिंग ले रहे हैं। हालांकि अग्निशमन विभाग ने कोचिंग सेंटरों में आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए एडवाइजरी जारी की है, लेकिन कोचिंग सेंटरों में पुख्ता प्रबंध न होना चिंता का विषय बना हुआ है। गुजरात के सूरत में हुए दर्दनाक अग्निकांड से हमीरपुर भी अछूता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि हमीरपुर में दर्जनों ऐसे कोचिंग सेंटर चल रहे हैं जहां पर आपातकालीन से निपटने के लिए प्रबंधन जीरो है। अगर शहर में नजर दौड़ाएं तो गांधी चौक के आसपास से लेकर बस अड्डे के समीप बने कोचिंग सेंटरों में ननिहाल जान जोखिम में डालकर कोचिंग ले रहे हैं। हालांकि अग्निशमन विभाग ने कोचिंग सेंटरों में आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए एडवाइजरी जारी की है, लेकिन कोचिंग सेंटरों में पुख्ता प्रबंध न होना चिंता का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि हमीरपुर में दर्जनों ऐसे कोचिंग सेंटर सालों से चल रहे हैं जिनमें आपात स्थिति में निपटने के लिए जरा भी प्रबंध नहीं है। शायद ऐसे कोचिंग सेंटर किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। कई कोचिंग सेंटरों में तो जाने के लिए इतना तंग रास्ते वाली सीढ़ियां हैं कि वहां पर एक बच्चा भी ढंग से नहीं उतर पाता। वहीं कई कोचिंग सेंटर तीसरे या चौथी मंजिल पर चल रहे हैं, जिनके जाने के लिए रास्ते भी भूल भलैया वाले हैं, जिनमें जाने के लिए रास्ते भी भूल भलैया वाले हैं। शायद प्रशासन सूरत की तरह हमीरपुर में भी किसी बड़े हादसे के इंतजार में है, तभी आज दिन तक कुकड़ नुमा चल रहे कोचिंग सेंटरों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जिला अग्निशमन अधिकारी राजेंद्र चौधरी का कहना है कि सूरत में हुए अग्निकांड के बाद हमीरपुर में भी कोचिंग सेंटरों में आपातकालीन के लिए निरीक्षण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि छानबीन की जा रही है कि कोचिंग सेंटरों के भवन मानकों के अनुसार बने हैं या नहीं। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान कोचिंग सेंटरों के मालिकों को सख्त हिदायत दी जा रही है कि आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए प्रबंध करें। सूरत में 24 तारीख को एक फायर इंसिडेंट हुआ है, उसमें बहुत ज़्यादा बच्चे जो है वो ट्रैप हुए हैं। तो फ्यूचर में इस तरह की कहीं हमीरपुर में ऐसी कोई दुर्घटना ना हो, तो उसके बारे में जो विभाग ने अधीक्षक मतलब महोदय के आदेशानुसार जो है वो एक कार्रवाई शुरू कर दी है। जो जो भी एक ऐसे शिक्षण संस्थान है जो कि कोचिंग सेंटर के तौर पर चल रहे हैं, उनका जो है निरीक्षण किया जा रहा है। और उसमें ये देखा जा रहा है, सबसे मेन चीज़ ये देखी जा रही है कि क्या उन भवनों के बीच में जो एग्जिट रूट्स हैं वो दो हैं या नहीं है, और वो क्या वो बिना किसी अवरोध के हैं। यहाँ तक हमारा आना जाना या जो एक किसी भी ऑक्यूपेंट रोड का एक ट्रैवलिंग डिस्टेंस होता है एमरजेंसी के दौरान, क्या वो उसको मेंटेन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, इसके ऊपर जो है मेन फोकस किया जाएगा ताकि फ्यूचर में इस तरह कोई दुर्घटना ना हो। और इसमें ये भी देखा जाएगा कि क्या जो भवन है वो अप्रूव्ड है, कि जो जैसे भी वो सूरत में इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला है कि जो उसने टॉप फ्लोर था कुछ अनऑथराइज था, उसको बिल्डिंग को पास होने के बाद उसने ऊपर से उसको एक्सटेंड किया था, तो उसमें एग्जिट रूट्स भी एक ही था। तो इस तरह की अगर कोई बिल्डिंग सामने आती है तो उसको जो है विभागीय कार्रवाई में लाई जाएगी। नहीं, अभी तक तो जितने भी हमारे जो एनओसीज लेने के लिए जितने भी आवेदन आते हैं, हम उन्हीं भवनों का निरीक्षण करते हैं। परंतु पिछले एक महीने से जो है वो हमने हर तरह की बिल्डिंग के ऊपर जो है एक फोकस किया हुआ कि किसी भी तरह की बिल्डिंग हो, चाहे वो इंस्टीट्यूट की हो, चाहे वो एजुकेशन की हो, चाहे असेंबली हो, चाहे होटल है, चाहे रेजिडेंस है, किसी भी तरह की जो चाहे हाई राइज है, जो यानी कि जी प्लस टू के बाद जितनी भी बिल्डिंग है उनके ऊपर जो है हमारा एक अभियान चला हुआ है। पिछले एक महीने से कंटिन्यूसली चला हुआ है, उसकी लिस्ट भी तैयार कर रही है और विभाग को कुछ रिपोर्टें भेज दी है और कुछ की जो है रिपोर्ट जो है अभी भेजना जारी है। जिसको अग्निशमन विभाग अनुसूचित देता है या देगा, उसको मेन चीज़ तो यही है कि उसके मीन्स ऑफ एस्केप क्या हैं, मतलब कि एग्जिट रूट्स कैसे हैं उसके, क्या वो बिल्डिंग के हिसाब से, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग्स होता है हमारा, जब हम एनबीसी को फॉलो करते हैं तो उसमें हर बिल्डिंग जो है अलग अलग क्लासीफाइड हो जाती है, तो कौन सी बिल्डिंग में किस तरह का एग्जिट रूट्स है, क्या उसका स्पेसिफिकेशन है, क्या उस हिसाब से वो फॉलो है
कि नहीं है, अगर नहीं है तो उसको हम सर्टिफाइड नहीं कर सकते जी। रिपोर्ट जो है वो उच्च अधिकारियों को दी जाएगी और जो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर शिक्षा का हब है और चाहे बात निजी स्कूलों की हो या फिर कोचिंग सेंटर की, यहां पर दर्जनों स्कूल और कोचिंग सेंटर शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, लेकिन सूरत में हुए अग्निकांड ने पूरे देश की आंखें खोल कर रख दी हैं। ऐसे में हमीरपुर में जिला प्रशासन की ओर से कोचिंग सेंटरों को दी जा रही ढील पर हर कोई हैरत में है। कार्यक्रम में वक्त चला है छोटे से ब्रेक का, आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद।